एक्स क्यू खाना है के बाद हम वाई और जेड को। तो हेलो गाइस, हम बात करते हैं एलिश यादव कीर्ति मेरा क्योंकि क्या कीर्ति मेरा एलिश यादव को क्या, क्योंकि आप तो कीर्ति मेरा भी 30 डे 30 चैलेंज वीडियो बना रही है जो कि उनके फैन कहते हैं वो करती है। तो वहाँ पर कल वीडियो में उन्हें खाने को लेकर तो वहाँ पर कहा था कि इससे कुछ खाओ, तो वहाँ पर कीर्ति मैंने कहा कि इससे क्या खाओ, उससे मुझे पूरा खा गया। तो इसी चीज़ पर उनको बहुत ज़्यादा हेड भी मिल रहा है कॉमेंट बॉक्स में, आप सभी को पता होगा क्योंकि पहले एलिश यादव की रिलेशनशिप में थे, तो बाद एलिश को बड़ी शायद हो सकती है और आपके अलग कॉमेंट करके जो बताओ। तो इसी चीज़ में बहुत ज़्यादा हेड मिल रहा है एलिश यादव फैन के द्वारा, तो आप इस चीज़ को भी देखकर क्या करें तो कॉमेंट करके जो बताओ। चलो हम बात करते हैं ठगेस के बारे में। तो ठगेस का न्यू वीडियो जहाँ पर एलिश यादव के आपको पता है ईडी केस लगाए भी और बहुत सारे केस लग चुके हैं, वो जेल भी रह चुकी थी, इसी पर उनको रेट करते हुए उन्होंने कहा कि कैरेक्टर को यूट्यूबर को एक बात समझिए कि आपको जैसे उन्हें बीजेपी और कांग्रेस को भी बताएं कि वहाँ पर मैं जुड़ना रहें, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस ये सब केस पहले हरियाणा के सीएम के हटने से के बाद हुआ, क्योंकि आपको पता होगा नए सीएम बन चुके हैं। तो इसी चीज़ पर उन्होंने ज़्यादा रेट किया क्योंकि एलिश यादव को PR कम कर दी गई है। आप सभी तो एलिश यादव के भी यूट्यूब पे लोग चैनल पे भी व्यूज कम आ रहे हैं और उनके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कम हो रहे हैं, तो इनकी गिरावट हो चुकी है। आप सभी पता है इनको बार बार गलत बताया जा रहा है मीडिया पर, तो इसी चीज़ पर टकेश ने पूरा वीडियो बनाया, आपको जागरूक पूरा वीडियो दे। तो गाइस अब हम बात करते हैं एलिश यादव ध्रुव राठी के बारे में। तो सर आप कुछ भी पता हो, ध्रुव राठी ने बीजेपी के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई, बड़ी बड़ी वीडियो बनाई जहाँ उनको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला था उनके फैन द्वारा और उनको बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा उनका नाम ध्रुव राठी का। तो आप लोकसभा का चुनाव चल ही रहा, तो आप इसी चीज़ पर एलिश यादव का कहना है कि आप किसी भी वीडियो बनाने या किसी भी राइटर उनके मानकर आप उन वोट ना दें और आपको हिंदुत्व और धर्म के से बढ़कर सभी कुछ चीज़ों को ध्यान में रखकर आप उसी पार्टी को वोट दें जो आपको काम आए। तो वहाँ पर आपको बता दें एलिश यादव ने सर ने बहुत सारी बातें की आपको कि आप किसी भी के कहने पर ना आए और वोट जरूर दे सा एलिश यादव ने कहा है और क्या उन्होंने ध्रुव राठी को पोक किया कॉमेंट करके जो पता चलो। हम बात करते हैं एलिश यादव के बारे में। तो एलिश यादव ने पाकिस्तानी है जहाँ पर उन्होंने उसको भी रिप्लाई दिया है, आपने वीडियो देख ली होगी, रील देख ली होगी, तो उस पर भी आपको क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। क्या मुनावरी फारूक ने एलिश यादव को पोक किया, क्योंकि आप मुनावरी फारूक का न्यू सॉन्ग आया है जहाँ पर उनको वाइल्ड कार्ड लेकर बहुत सारे से नाम लिया जा रहा है, तो आपने सॉन्ग नहीं सुना जाकर सुन सकते हो, लेकिन ऐसा भी आशा खान को भी वो पोक कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ को भी लेकर क्या कहना है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और एलिश यादव ने बहुत सारी चीज़ें की उनकी फोटो को लेकर, तो आप उनकी वीडियो को जाकर देख सकते हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप वीडियो देख लेते हो अपने वीडियो को लाइक करते हो। तो गाइस अब हम बात करते हैं लक्ष्य के बारे में। तो आज लक्ष्य एलिश यादव के बहुत ही करीबी दोस्त हैं, तो वहाँ पर उन्होंने क्रेजी द्वीप ने एलिश यादव को बार बार रोस्ट मारते रहते हैं और उनको क्योंकि आपको पता है क्रेजी द्वीप उनको एलिश यादव को उनके लक्ष्य अर्षित को भी रोस्ट किया है, तो इसी चीज़ पे उन्होंने रिप्लाई देते हुए लक्ष्य ने कहा है कि तेरे ऊपर तेरे लोग उन्होंने कहा था लोकेशन मांग रहे, तो टेलीग्राम में क्रेजी द्वीप में कुछ डाला हो तो वहाँ पर लोकेशन मांग रहे, तो उन्होंने कहा था लक्ष्य ने कहा कि हम तो सिर्फ रोटी भेज नहीं रहते और थोड़े गले पट्टा और उन्होंने क्या पूरा इंसान पूरा पोक किया, क्योंकि उन्होंने कहा था लक्ष्य ने कि तुम्हें और तुम्हारे पापा को बचाने नहीं आएगा ना वो आएगा, तो वहाँ पर पूरा इंसान का क्लिप दिखाया गया। तो आप इस चीज़ को भी लेकर क्या कहते हैं कॉमेंट करके जरूर। अब हम बात करते हैं सभी मार का बैम। तो आपसे एलिश यादव की 3 साल पहले दोनों के बीच बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी, तो वहाँ पर उनका जब तो सभी मार का जब रिप्लाई नहीं आया, लेकिन अभी पूरे पॉडकास्ट में रिप्लाई आया, तो उन्होंने कहा कहना है कि कुछ फैमिली के मैटर से मैंने कॉन्ट्रोवर्सी को ख़त्म कर दिया था, क्योंकि जो बातें हुई थी हिंदू और धर्मों के ऊपर तो मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मेरी फैमिली को अच्छी लगी, तो इसी चीज़ को लेकर उन्होंने कॉन्ट्रोवर्सी ख़त्म कर दी। तो आप इस चीज़ को भी लेकर क्या कहना तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने वीडियो नहीं देखते तो वीडियो को देख तो लेते हो, वीडियो को लाइक तो प्लीज़ वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एलिश यादव पे यूज क्यों नहीं आ रहे आपको बताएं तो कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि अभी तो गाय सब हम बात करते हैं प्रज्योत और यूके जीओसी राइडर के बारे में। तो यूके जीओसी राइडर ने कहा था कि प्रज्योत के बारे में, तो आप लोगों को एक्सीडेंट हुआ था कुछ दिनों कुछ महीनों पहले, तो उनके बाद मैंने उनका बिल पे किया था, तो प्रज्योत ने एक्सबॉक्स किया जीओसी राइडर कहा कि उन्होंने मुझे 1 रुपये की हेल्प नहीं दी ना, और उन्होंने हेल्प किए तो उनका बिल बताए और उसने मुझे 1 रुपये भी नहीं दिया था मेरे बिल में ना, ऐसा प्रज्योत का कहना है। और यूके जीओसी राइडर का
ऐसा कहने पर उन्होंने रिप्लाई दिया, तो आप इस चीज़ को भी लेकर क्या कहना, रिकमेंड करके जरूर तक कौन सही है कौन गलत। और अब बात करते हैं मनीषा रानी के बारे में, तो मनीषा रानी का न्यू सॉन्ग आया तो उनके पे मतलब बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल रहा है उनको, और आपने देखा जाकर देख सकते हो। और आप मनीषा रानी को का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम बात करते हैं अलविश यादव के बारे में, तो अलविश यादव का न्यू कार शायद आने वाला है, क्योंकि उन्होंने ब्लॉग में कहा था कि उनका ड्रीम पूरे आने वाला है, तो बहुत सारे उनके फैन के उनकी रोज शायद न्यू कार ले रहा है, तो क्या कौन सा ड्रीम है कमेंट करके मैं भी जरूर